हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है चैनल पे। और आज आपके लिए नया टॉपिक मैं लेके आया हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक बताया था, और आज हमारा 11वां लेक्चर है। और आज हम पढ़ने वाले हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो बात ये आती है, व्हाट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट, क्या है ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट। दो लेक्चर्स में इसको कवर अप करेंगे। आज मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराऊंगा, और अगले में कुछ और भी थोड़े से कॉन्सेप्ट है, और खत्म हो जाएगा टॉपिक आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट। काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला है। इस चैप्टर में मेनली जो मोटे मोटे टॉपिक है अप्रोप्रिएशन, पास जिसमें में गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ये ज्यादा आने वाले। बाकी छोटे छोटे से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, आ सकता है, एक क्लास में खत्म हो गया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, वो भी आ सकता है, एक क्लास में हमने खत्म कर लिया था। स्टार्ट करते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब समझो पहले। एक नए बंदे को हम पार्टनरशिप में एडमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब एक नए बंदे को एडमिट कर रहे हैं, सपोज करो मैं और एक मेरा दोस्त पार्टनर है, और तीसरे बंदे को हमने बोला कि हमारे पार्टनरशिप में आ जाओ, मान लिया बिजनेस, उसने कहा क्यों आ जाओ, हो सकता मेरा पैसा भी डुबा दो। तो हमने कहा नहीं यार, श्योरिटी है। तो मैंने उसको बोला देखो बेटा, भाई आपको बेटा बोलने की आदत पड़ी है, देखो भाई आपको गारंटी है कि मिनिमम इतना प्रॉफिट तो मिलेगा। वो भी कुछ मिनिमम की गारंटी दी, आप कुछ भी कम होगा तो मैंने गारंटी दी है उसका हिस्से में, जो कम पड़ेगा वो मेरे से लेगा। दैट इज द टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट। कि एक जब एक नए बंदा एडमिट हो रहा है, तो एक नए बंदे को मतलब पार्टनर को हम क्या कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। कोई बीच में छोड़ के जा रहा हमने उसको गारंटी, देखो अगले बार से प्रॉफिट होगा, आपको इतने की गारंटी देते। तो एक मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी। एक बात है, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी होती है मैक्सिमम की नहीं। तो उससे अगर कम होगा तो हमसे लेगा, ज्यादा हो तो अच्छी बात है। मान लो एक नए बंदे को एडमिट किया, तो मैंने उसको गारंटी दी कि आपको मिनिमम 10,000 मिलेगा, और इस साल जब प्रॉफिट हुआ तो उसके हिस्से में 20,000 आया, तो वापस नहीं मांगूंगा 10,000, अच्छी बात है। 10 से कम होगा तो मेरे पास आ जाएगा, भैया 10 की गारंटी थी, 8 ही मिला है, फिर मैं अपनी जेब से चले यार ले 2,000। बस यही है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, पहले समझ लो बात को। एक गारंटी गिवन बाय पार्टनर, और दूसरा गिवन बाय फर्म। क्या अंतर है गिवन बाय पार्टनर और गिवन बाय फर्म में? मतलब एक बंदे ने, अगर पार्टनरशिप में एक बंदे ने इंडिविजुअल ने गारंटी दी, मतलब एक फर्म में अगर सारे पार्टनर हैं, वो सब मिलकर अगर गारंटी देते हैं तो गिवन बाय फर्म है, कोई पार्टनर दे रहा तो गिवन बाय पार्टनर है। तो पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि कौन सा है। तो पहले मैं यहाँ पे गिवन बाय पार्टनर का एग्जाम्पल फॉर क्वेश्चन कराता हूँ। गिवन बाय पार्टनर हम देख रहे हैं फिलहाल, सपोज का एग्जाम्पल है एक्स वाई जेड पार्टनर 3:1 का रेशियो, ठीक है। और जेड को, एक्स ने क्या करा, जेड को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी है। कितने की भाई मिनिमम? तो मान लो 12,000 की मिनिमम की गारंटी दी, और नेट प्रॉफिट हो गया हमको 60,000 का। ये छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ हम नहीं ले रही है। तो अगर मैं अकाउंट बनाऊं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही बनेगा, कलर थोड़ा सा बदल देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने बनाया, बस मैं गारंटी का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। क्वेश्चन में बाकी पुरानी चीज भी आ सकती है, सैलरी कमीशन इंटरेस्ट, एक क्वेश्चन देखेंगे वैसा भी। तो नेट प्रॉफिट कितना था? 60,000, उसी चीज होगी जो जो भेजेंगे, ऐसी सी बात है। फिर हम प्रॉफिट को बांट देंगे एज ए इंडिविजुअल प्रॉफिट, जो बाकी बच गया बांटेंगे एक्स वाई जेड में। तो देखो 60,000 का प्रॉफिट रेशियो क्या, 3:2:1, यानी 30, 20 और 10 प्रॉफिट हमने बांट दिया। अब ध्यान से देखो, बात को समझो ध्यान से। जेड को मिनिमम गारंटी थी 12,000 की, लेकिन जेड के हिस्से में देखो कितना आया, 10,000, 2,000 कम पड़ गया। तो जेड किसके पास जाएगा, एक्स बोलगा भैया 2,000 कम है दो, तो जेड में 2,000 प्लस हो जाएगा, और एक्स देने वाला है तो एक्स से घटा देंगे, तो एक्स के हिस्से में 28,000 हो गया। वाई का तो एज इट इज जितना था उतना ही रहेगा, और जेड का 12,000 हो गया। एक्स में लिख देंगे जेड शेयर इन डेफिशिएंसी, और वहां लिखेंगे एक्स शेयर ऑफ गारंटी, मतलब गिवन बाय पार्टनर समझ गए, और नीचे तो टोटल हो गया 60,000। क्या है गिवन बाय पार्टनर में, कि जिस बंदे को गारंटी मिली थी उसके हिस्से में अगर जो भी कम पड़ेगा, तो जिसने गारंटी दिया एक्स ने दिया, तो एक्स से घटा दिया और जेड में जोड़ दिया। भाई जेड के हिस्से में अगर मान लो प्रॉफिट होता है 1,20,000, तो जेड के हिस्से में 20,000 आता, तो कुछ करना ही था। तो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी, कम पड़ेगा तो देना पड़ेगा, ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। गिवन बाय फर्म देख लेते हैं, गिवन बाय फर्म का क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एक्स वाई जेड पार्टनर है, 3:1 का रेशियो, दोनों ने मिलकर गारंटी दिया जेड को, सेम क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, मिनिमम 12,000, और नेट प्रॉफिट हो गया भाई 60,000 का, सेम क्वेश्चन है। तो अगर मैं अकाउंट बनाऊं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट यहां लिखेंगे, नेट प्रॉफिट कितना भाई, तो 60,000 का नेट प्रॉफिट है, बांटेंगे कुछ है नहीं तो इंडिविजुअल प्रॉफिट एक्स वाई जेड, तो 30, 20, 10। तो जेड के हिस्से में प्रॉफिट की गारंटी थी 12,000 की, लेकिन उसके हिस्से में 10,000 आया, यानी 2,000 पड़ गया कम।
तो 2000 इसमें प्लस होगा, देने वाले कौन है, एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई शेयर ऑफ गारंटी लिखेंगे यहाँ पे, तो इसके हिस्से का तो हो गया 12000। अब ध्यान से बात को समझना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इसके हिस्से में तो 12000 आ गया। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि एक एक्स ने गारंटी दिया था तो एक्स में से घटा दिया गया था, यहाँ एक्स वाई दोनों ने गारंटी दिया है, तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि एक्स वाई ने अगर गारंटी दिया है, एक्स वाई ने अगर गारंटी दिया है, एक्स वाई ने दिया गारंटी, तो किस रेशियो में देगा वो पैसा। तो ध्यान रखना कभी कभार क्वेश्चन में लिखा होगा इफ एनी डेफिशिएंसी शुड बी बॉर्न बाय पार्टनर इन दिस रेशियो, तब तो अच्छी बात है उस रेशियो में। लेकिन अगर ना बताया गया हो, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं बताया, ना बताया हो तो उनके आपस का रेशियो, तो आपस का रेशियो क्या, 3:2, और तो 2000 की डेफिशिएंसी 3:2 में देंगे, तो पहला देगा 1200 और दूसरा देगा 800। बात समझ आ गई, अपने आपस के रेशियो में, तो यहां से 1200 घट जाएगा, यहां से 800, तो इसका हो गया 19200, इसका हो गया 28800। लिख देंगे भाई, माइनस होगा, माइनस होगा जेड शेयर इन डेफिशिएंसी, जेड शेयर इन डेफिशिएंसी। क्लियर बात। तो दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, गिवन बाय पार्टनर, देखो गिवन बाय पार्टनर था, एक बंदे ने गारंटी दिया तो जिसने गारंटी दिया उसमें से घटाएंगे और जोड़ देंगे, गिवन बाय फर्म में सबने मिलके दिया है तो सब देंगे, रेशियो नहीं दिया तो अपने आपस के रेशियो में, रेशियो दिया तो उस रेशियो में। क्लियर बात। अब एक क्वेश्चन आया होता है कि अगर मान लो आपको बोला नहीं कि गारंटी किसने दिया, जैसे बोल के जेड को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है, अब बता नहीं रहा किसने दिया, तो जब ना पता चलेगा गिवन बाय फर्म में, मतलब सबने दिया होगा, क्यों, क्योंकि जब अगर एक पार्टनर देगा तो ये बताया गया होगा कि वो पार्टनर कौन, उसका नाम मेंशन होगा, तो जब अगर आपको नाम नहीं बताया गया इट्स मींस गिवन बाय फर्म है। क्लियर बात यहां तक, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और कभी कंडीशन आती है, मान लो ऐसे, मान लो एक्स वाई पार्टनर, थोड़ा मैथ्स का टेस्ट है, एक्स वाई पार्टनर 3:2 का रेशियो और जेड 1:6 शेयर से एडमिट हुआ, अब नेट प्रॉफिट है 60000, तो दुविधा ही आ गई, यहां पे रेशियो एक साथ था, 3:2:1 तो बांटने में कोई दिक्कत नहीं आई थी, अब यहां अलग अलग है, तो भाई साहब रेशियो अलग अलग है तो प्रॉफिट कैसे बटेगा, तो ध्यान से समझना। वैसे तो आगे आप एडमिशन ऑफ पार्टनर जब चैप्टर पढ़ोगे तो यहाँ पे रेशियो निकालना सीख जाओगे, रेशियो कैसे निकालते हैं, अब आगे बेसिक आपने 7th क्लास में रेशियो निकालना सीखा होगा। फिलहाल के लिए बात करते हैं रेशियो की, बात छोड़ दो, सीधा कैसे बांटोगे, तो जेड का शेयर 1:6, तो पहले जेड का शेयर निकाल लो, तो 60000 में 1:6 हो गया जेड का शेयर, यानी 10000 हो गया जेड का, तो 60 में से जेड का 10 तो बच गया कितना 50000, तो इस 50000 को एक्स वाई में बांट दोगे 3:2 में, तो एक्स का शेयर आएगा 50000 इंटू 3/5 यानी 30000, वाई का आएगा 50000 इंटू 2/5 20000। तो अगर रेशियो इस फॉर्म में दिया गया हो तो आप ऐसे करके निकालना जेड का शेयर, बाकी जो बच गया एक्स वाई का शेयर। समझ गए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस दो तरह के वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन है, थोड़े बेसिक क्वेश्चन है, तो आज हम थोड़ा बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, फिर एडवांस क्वेश्चन पे भी आएंगे। इतना आप समझ गए होगे, देखो जो पहला गिवन बाय पार्टनर जिसने दिया उससे घटाना है, गिवन बाय फर्म। अब आगे बढ़ते हैं, देखो कुछ क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, थोड़ा सा मैं नीचे ले आऊं, तो दिख रहा होगा आपको, बड़ा सा क्वेश्चन है, लिखा है मोहित एंड सोबित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 3:2। देखो मोहित और सोबित पार्टनर 3:2 का रेशियो दिया, क्वेश्चन तो पहले पढ़ो, लिखा रोहित वर एडमिटेड विद 1 शेयर, रोहित को एडमिट किया 1:6 शेयर से एंड विद अ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, और 10000 के मिनिमम प्रॉफिट की हमने उसको गारंटी दी है। एट द ईयर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर द प्रॉफिट अर्न 54, और पहले साल में नेट प्रॉफिट जो है 54000 रुपए का हुआ है। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, पहले ध्यान से देखो, कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा कि गारंटी दी किसने, नहीं पता चल रहा, तो क्या होगा गिवन बाय फर्म है, इतना क्लियर हो गया गिवन बाय फर्म है। अब क्या है, अनइक्वल है, पहले रेशियो के फॉर्म में बांट दोगे, बांटना मैंने सिखाया अभी, बांटना फिर रोहित के साथ जितना भी कम पड़ेगा दोनों अपने 3:2 में दे देंगे, कर लोगे मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो दोस्तों ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:1, इनका रेशियो 4:1 है, इट वाज प्रोवाइडेड सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज नॉट लेस, देखो सी को गारंटी है 75000 की, प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर 3,15,000 रिक्वायर्ड टू सो द अप्रोप्रिएशन। तो भी सेम है, अगर मैं क्वेश्चन लिखूं पीछे लिख देता हूं, ए बी सी 4:3:2 का 4:1 का रेशियो, ए बी सी पार्टनर 4:1 का रेशियो, सी को एक मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी मिली है, कितने की गारंटी है भाई मिनिमम, तो 75000 के मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है। लिखा नहीं किसने दिया, तो दोनों ने दिया होगा और नेट प्रॉफिट हो गया 3,15,000 रुपए। क्या परेशानी हो गया, प्रोविजन रिकॉर्ड बना, गिवन बाय फर्म है, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे मेरे हिसाब से। छोटे छोटे अगला देखो, एक्स वाई जेड वर पार्टनर इन फर्म ऑन फॉक्स, देखो यहाँ अक्टूबर में ये पार्टनर बने हैं, ध्यान रखना थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अक्टूबर का मतलब कि 6 महीने का ही टाइम पीरियड बचा आपके पास, तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, अगर आप किसी को एक साल की गारंटी 80000 के दे रहे हो तो 6 महीने का कितना होगा, 40000, बस इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ पे 6 महीने तो गारंटी भी हाफ हो जाएगी। अब देखो आगे लिखा है द शेयर प्रॉफिट 4:3:3, इनका रेशियो 4:3:3 का रेशियो है, कौन कौन है, एक्स
वाई और जेड। फिर लिखा है एक्स पर्सनली, एक्स ने पर्सनली गारंटी दिया किसको, जेड को, कि शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड कैपिटल 10% वुड नॉट बी लेस देन 80,000 इन द ईयर। और ये कैपिटल दे रखा है, ये आपको प्रॉफिट दे एक साथ। देखो प्रॉफिट में सबसे पहला काम क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 6 महीने का 10%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दे लोगे। फिर जो प्रॉफिट आएगा उसको बांट देना, आप प्रोविजनल अकाउंट बनाओगे, सबसे पहले 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, उसके बाद प्रॉफिट को बांट दोगे। यहां तक मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान से देखना, जेड जो नया तीसरा बंदा है उसको, जेड को, उसको जो गारंटी है वह पूरे साल की 80,000, लेकिन ये साल है अक्टूबर से दिसंबर मार्च 6 महीने का ये, तो 40,000 की गारंटी हो जाएगी। और 40,000 में जो भी कम पड़ेगा एक्स देगा, तो एक्स से कटा देना और उस पर जोड़ देना। तो सबसे पहले करोगे आप इंटरेस्ट का बिल दोगे 6 महीने का, फिर जो इंडिविजुअल प्रॉफिट आएगा उसको बांटोगे, फिर देखना कि जेड में 40,000 से जितना भी कम है उतना जेड में प्लस हो जाएगा और देने वाला एक्स है तो एक्स से माइनस हो जाएगा। ऐसे ही आखिरी वाला विषय भी आप पढ़ लेना, हो जाएगा आपसे। एक चीज और ध्यान रखना, मान लो किसी में नेट प्रॉफिट 2 साल का दिया, मान लो एक साल का 40,000 दूसरे साल का 60,000, तो जब 2 साल का नेट प्रॉफिट दिया तो ये नहीं कि दोनों को जोड़ के एवरेज करके ऐसा कुछ करना है, दो अलग अलग साल है, तो एक साल का अलग बनेगा प्रॉफिट और प्रोविजन, दूसरे साल का अलग बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। तो ये कुछ बातें ध्यान रखना। एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ये रहा देखो, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में, तो बहुत छोटे थे, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं कि पिछला नहीं आ सकता, वो भी आ सकता है, पर देख लेते हैं समझ लेते हैं क्या क्या। असगर क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूं, असगर चमन एंड ढोलू आर पार्टनर, देयर कैपिटल 6 लाख 5 लाख एंड 4 लाख, किसी को कैपिटल दिया है। फर्स्ट अप्रैल देयर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:2:3, इनका रेशियो जो 4:2:3 का है। लिखा पार्टनर्स आर एंटायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर लिखा है सैलरी टू चमन एंड ढोलू, चमन और ढोलू को, चमन को सैलरी दे रही है, ढोलू को, चमन को 7,000 महीने का, 7,000 मंथ, और ढोलू को 10,000 क्वार्टर। एक बात समझो, 7,000 महीने का है तो 12 से मिलेगा 84, 7,000 महीने का है तो 7,000 इंटू 12 84,000, और 10,000 क्वार्टर है तो 10,000 इंटू 4 40,000 उसकी हो गया, ये क्या सैलरी है। फिर लिखा है पार्टनरशिप डीड, उसके बाद लिखा है डोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग, ये क्या है देखेंगे, गारंटीज मिनिमम प्रॉफिट 1,10,000, मतलब डोलू को 1,10,000 गारंटी मिली, एनी डेफिशिएंसी अराइजेस ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय अदर, कुछ कमी होगी तो कौन देगा, अस्कर देगा, और प्रॉफिट हुआ 4:24 का। अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो देखो यहां बनाते हैं, पीछे बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं, 4,24,000 का नेट प्रॉफिट है। इस टाइप का विषय एग्जाम में आने के चांस, सबसे पहला आपको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, 6 लाख 5 लाख 4 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, असगर चमन ढोलू 6 लाख 5 लाख और 4 लाख है, तो 6 लाख का 8% 48,000, 5 लाख का 8% 40,000 और 4 लाख का 8% 32,000। ये तो हमने दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 32 + 40 + 48, कुल मिला के 1,20,000 हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये यहाँ तक मुझे हिसाब से आपको नहीं लगता कि कोई डाउट होगा आपको। अगला सैलरी था, है ना, सैलरी भी लिख देते हैं, सैलरी चमन और ढोलू को, एक का था 84,000 दूसरे का 40,000, तो 84,000 + 40,000 1,24,000 और कुछ है नहीं, इंडिविजुअल प्रॉफिट बांट देते हैं, फिर उसके बाद आगे की कहानी देखेंगे। 4,24,000 4,24,000 अगर मैं घटा दूं 1,20,000 और 1,24,000, 1,80,000 का प्रॉफिट आ गया, डेट इज इंडिविजुअल प्रॉफिट जो बांट देंगे असगर चमन ढोलू। रेशियो क्या था भाई, तो रेशियो था 4:2:3, 4:2:3 9, 1,80,000 डिवाइड बाई 9, 80, 40, 60, 4:2:6 ना, 4:2:3, हाँ ठीक है। अब देखो ध्यान से, गारंटी वाला लाइन देखो ध्यान से, लिखा है ध्यान देखना, डोलू शेयर प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग, मतलब छोड़ के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी, मतलब सैलरी को जोड़ के कितना चाहिए 1,10,000। अब देखो डोलू का शेयर, डोलू का शेयर देखो ध्यान से देखना, डोलू का शेयर, डोलू का शेयर देखो यहाँ, डोलू का शेयर है 60,000 प्रॉफिट ये रहा, ठीक है, और सैलरी जोड़ा, सैलरी जोड़ो तो 40, और सैलरी जोड़ के सैलरी इतनी है, तो 1,10,000 की जगह सिर्फ 1,00,000 ही हो रहा है,
गारंटी थी 1,10,000 की, बट उसका शेयर सैलरी जोड़ के 1,00,000 हो रहा है, 10,000 कम पड़ रहा है, तो 10,000 कम पड़ रहा है तो 10,000 इसमें प्लस कर देंगे, देने वाला एक्स है तो एक्स से कटा देंगे, तो इसका हो जाएगा 70, इसका हो जाएगा 70। बात समझे क्या हुआ है? लिखा था डोलू शेयर प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट इनकम बट इंक्लूडिंग सैलरी, इंक्लूडिंग मतलब सैलरी जोड़ के, सैलरी जोड़ के 10 होना चाहिए, तो देखो डोलू का शेयर है 60, सैलरी अगर मैं जोड़ दूं 40,000 तो भी 1,00,000 हो रहा है, 1,10,000 नहीं हो रहा, तो 10,000 की कमी पड़ी, तो 10,000 से प्लस कर दिया, पर्सनली गारंटी असगर ने दिया तो असगर से माइनस कर दिया। इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांस होते हैं 3 से 6 नंबर में, ठीक है। तो ये कुछ पहले टाइप के, पहले वैरायटीज के क्वेश्चन थे, तो इनके सारे क्वेश्चन कर लेना, ये 84-85 तक है। आखिरी क्वेश्चन कौन सा था? ये 84 नंबर तक, यहाँ तक ऐसे ही है। इसके बाद एक दो छोटे छोटे टॉपिक है, अगले लेक्चर में उसको कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।